अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू VOBSCS। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे स्टैट्स 301 का GDB। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप अगर चैनल पर नए होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि आने वाली जितनी भी नई वीडियो है वो आप लोग को टाइम पर मिल सके। ठीक है, तो सबसे पहले जो इसका जो मार्क्स है वो है 5 मार्क्स का यहाँ पर GDB है। ठीक है, और इसकी स्टार्टिंग डेट जो है वो 18 में है, यानी ये स्टार्ट हो चुका है, और इसकी क्लोजिंग डेट जो है वो May 24 है। ठीक है, तो इसमें आपको क्वेश्चन ये दिया गया है, कंस्ट्रक्ट द स्टेम एंड लीफ टेबल फॉर द गिवन डाटा। ये आपको एक डाटा दिया हुआ है, इसका आपने जो है स्टेम और लीफ बनाना है। ठीक है, एक टेबल के अंदर आपको इसका स्टेम डिफाइन करना है और लीफ डिफाइन करना है। ठीक है, और यहाँ पर नोट दिया गया है कि डू नॉट पेस्ट द आंसर MDB दिस GDB इज ग्रेडेड एंड मार्क्स विल बी ऑडिटेड ऑन इट्स परफॉर्मेंस। ठीक है, तो और लिखा नोट आंसर शुड बी रेवेलेंट एंड इररेवेलेंट एंड अननेसेसरी डेंसिटी मटेरियल विल नॉट बी कंसीडर्ड। ठीक है, तो टू द पॉइंट आपने इसका GDB का आंसर देना है और लेंथी नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो वैसे ये जो लेंथ मेंशन करते हैं ये फजूल लेंथ होती है, और जो एक्स्ट्रा देता है उसको ज़्यादा मार्क्स दिखाते हैं। अपना एक्सपीरियंस भी आपने भी देखा होगा, नोट किया होगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या कि आपने जो है यहाँ पर लिखा हुआ पोस्ट मैसेज, जब जाकर असाइनमेंट सॉल्व कर लेंगे तब जा क्लिक करेंगे पोस्ट मैसेज में और कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद यहाँ पे पोस्ट मैसेज पे क्लिक कर देंगे तो आपको ये GDB सबमिट हो जाएगा। लेकिन याद रहे सिर्फ एक मतलब आपने कॉपी पेस्ट करना है, बार बार ऑप्शन नहीं देगा। अगर आपने एक मतलब पेस्ट कर दिया और पोस्ट कर दिया तो ये सबमिट हो जाएगा, इसके बाद कोई ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, बार बार आप इसके अंदर एडिट नहीं कर सकते, जैसे कि हमारे असाइनमेंट में होते हैं एडिट का ऑप्शन, इसके अंदर एडिट का ऑप्शन नहीं होता। ठीक है, तो चलते हैं अपने असाइनमेंट की तरफ। तो सबसे पहले देखें प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिक्स स्टेट्स 301 GDB। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं दिस मेथड वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय जॉन टुके इन 1977। ठीक है, ये मेथड जो है जॉन टुके ने 1970 में ये मेथड अनाउंस किया था। ठीक है, तो दिस मेथड से शॉर्टिंग द डाटा डेट ईच नंबर विल बी टू पार्ट्स। ठीक है, अब ये मेथड जो है वो इसलिए फाइंड किया गया था ताकि हम शॉर्टिंग कर सकें ईच नंबर को, इनको दो पार्ट्स में डिवाइडेड कर सकें, यानी शॉर्ट कर सकें। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं स्टीम एंड लीफ, इसको स्टैम बोल लें या लीफ बोल लें। ठीक है, तो स्टैम क्या होता है, तो स्टैम जो होता है वो आपका स्टार्टिंग का होता है डिजिट। ठीक है, और लीफ क्या होता है वो आपका होता है आखिर का डिजिट। ठीक है, तो अगर इसमें से आप देखें तो स्ट्रीम क्या है, स्ट्रीम है इसमें 1 और इसमें लास्ट में क्या है तो इसके लीफ हो गया 7। ठीक है, तो फिलहाल तो ये 4 नंबर है, अभी हम आके देखते हैं इसको। ठीक है, तो आपको देखिए क्वेश्चन दिया गया जो असाइनमेंट में है, कंस्ट्रक्ट द स्ट्रीम एंड लीफ टेबल फॉर द गिवन डाटा। तो आपको डाटा दिया गया तो आपको इसमें आपने इसका स्ट्रीम निकालना है और लीफ निकालना है। ठीक है, तो डू नॉट पे है तो हम देख चुके हैं, आप चलते इसके आंसर की तरफ। ठीक है, तो सबसे पहले आप एक काम करें, आप इसमें से आप देख लें कि इसमें से मिनिमम कौन सा मैक्सिमम वैल्यू कौन सा है। ठीक है, ये हाईलाइटेड नहीं होगी, ये मैंने आसानी के लिए हाईलाइटेड किया हुआ है। ठीक है, तो इसमें मिनिमम वैल्यू जो हमारे पास है अगर आप देखें यहाँ पे 59 है और 59 है, ये भी हमारे पास मिनिमम वैल्यू है, दोनों सेम है तो एक को कर लेंगे कंसीडर। तो 59 हमारे क्या होगा यहाँ पे मिनिमम वैल्यू। ठीक है, और मैक्सिमम वैल्यू के हमारे पास यहाँ पे 99, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे मैक्सिमम वैल्यू 99। ठीक है, ये ऐसी समझाने के लिए ताकि आप लोगों को आसानी हो जाए कि आपका एवरेज नंबर यहाँ पे क्या है। ठीक है, तो देखिए सिंस ऑल द वैल्यू आर ऑफ 2 डिजिट्स सो स्ट्रीम एंड लीफ बोथ विल बी सिंगल डिजिट। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में जो है वो 3 वैल्यू भी यानी 3 डिजिट्स भी आ सकते थे लेकिन इन्होंने सिर्फ 2 डिजिट्स दिए हैं, इसका मतलब ये हो गया कि हमारी स्ट्रीम और लीफ होगी वो सिंगल सिंगल डिजिट्स पर डिपेंड करेगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम अब चलते हैं इसके आंसर की तरफ। सबसे पहले यहाँ पर मैं हेडिंग डालूंगा स्ट्रीम की और यहाँ पर डालूंगा एल लीफ। ठीक है, तो अब आप देखें स्ट्रीम क्या होती है, स्ट्रीम जो होता है हमारा स्टार्टिंग का नंबर होता है। ठीक है, तो सबसे पहले देखें इसमें सबसे स्टार्टिंग का नंबर में क्या आता है, स्टार्टिंग होता है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो अब आप देखें यहाँ पे 0 1 2 3 4 यहाँ पे है 5, तो हम यहाँ लिख देंगे 5। ठीक है, अब 5 के बाद देखें क्या आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है 6 6 6 के बाद क्या आ रहा है यहाँ पे 7। चलो डबल वैल्यू इसको हम इग्नोर कर देंगे, सिंगल लेंगे। देखें 7 7 7 हो गया, अब क्या आ रहा है 8 और 9, बस 8 9। ठीक है, अब वीडियो आपके पास ये वीडियो मौजूद है, आप वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा। सिंपल हमने क्या किया है 0 से लेकर 9 तक के हमने सीक्वेंस फॉलो कर ली, तो पहले क्या आ रहा है हमारे पास आ रहा है 5, उसके बाद 6 7 8 9 लेकिन सीक्वेंस फॉलो कर ली। ठीक है, ये हो गया। अब फॉलो करने के बाद अब आप देखें आपको सबसे पहले क्या दिया हुआ है 77 77। तो 77 का मतलब क्या होगा कि आप सबसे पहले आप जाएंगे 7 में और इसके आगे जाके लिख देंगे 7। ठीक है, फिर इस पर जाएंगे क्या लिखा है 83, तो आप जाएंगे 8 में और इसके आगे आके लिख देंगे 3। अब जाके लिखा है 99, तो आप जाएंगे 9 में और इसके आगे जाके लिख देंगे 9। अब लिखा है 59, तो आप जाएंगे किस में 5 में और यहाँ पे लिख देंगे 9। अब लिखा हुआ है 63, तो आप 6 में जाएंगे और 63 लिख देंगे। अब यहाँ लिखा हुआ है 62, अब हम 6 में ही है तो 6 के आगे कॉमा लगा के 2 लिख देंगे। अब ये 59, तो 5 में जाएंगे ऑलरेडी 9 है, कॉमा 51 आपका आ जाएगा। ठीक है, अब हमें 77 में गए और 4 लिख दिए। ठीक है, अपने 75 के अंदर ही हम लोग 5
अगर 77 में है हम लोग 8, तो इस तरीके से ये जो है आपका GDB आपको कंप्लीट हो चुका है। लेकिन थोड़ा मुझे इसको हम शॉर्ट कर लेते हैं, जैसे कि आपका असाइनमेंट में क्या है कि इरेलेवेंट और लेंथी आंसर नहीं देना, लेकिन फिर भी हम इसको डिटेल में सॉल्व कर लेते हैं ताकि हमारे जो है अच्छे मार्क्स आ जाएँ। पढ़ा लिखा भी एंड मार्क्स फिर भी अवॉर्डेड ऑन इट्स परफॉर्मेंस, ठीक है। तो अधूरी बात करते हैं, खैर तो अच्छा आप इसका काम करते हैं थोड़ा बहुत, इसका जो है वो इसको एक ऑर्डर में लिख लेते हैं, ठीक है। ऑर्डर में क्या होगा, ऑर्डर में यानी इसको सीक्वेंस में कर लें, इसमें क्या है 9 9 है, इसमें क्या है 2, ताकि अच्छा लगे, ठीक है। तो इसमें क्या 4 5 7 8, ठीक है। इसमें क्या है 3, इसमें क्या है 9, ठीक है। ये हमने सॉल्व कर लिया, ठीक है। तो यहाँ तक के तो हो गया, ये आपका आंसर हो गया। अब ये जो है मैं एक्स्ट्रा काम कर रहा हूँ ऑर्डर में ताकि अच्छा लगे, ठीक है। अच्छा एक और चीज़ सब इसका हम ये कर लेते हैं कि फ्रीक्वेंसी ऑफ आई क्यूनसी है, ठीक है। ये वो काम है जो आपको ज़रूरी नहीं करने के लिए, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी के में क्या होता है, आप अभी देखें कितने डिजिट्स हैं, 1 2 हम लिख देंगे हम 2, यहाँ कितने हैं, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे कितने हैं 2 4, और इसमें कितने हैं 1, इसमें कितने हैं 1, ठीक है। ये जो काम है ये मैंने एक्स्ट्रा काम किया, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ, ठीक है। ये काम मैंने एक्स्ट्रा किया है, आपको यहाँ पर आपका GDB कंप्लीट हो चुका है। अभी मैं आपको सब प्रूफ दिखाता हूँ कैसे, तो पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये देखें, ये अगर आप एक चीज़ नोट करें, तो अगर आप आगे काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो टोटल आपको 10 नंबर दिए गए हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और अगर आप इसको काउंट करने क्या आएगा 1 2 3 4 और 4 8 9 10, तो ये भी आपका आंसर क्या आ रहा है, यहाँ पे आपका 10 आंसर आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, आपका आंसर बिल्कुल परफेक्ट है, ठीक है। ये भी 10 आ रहा है और ये भी 10 आ रहा है, ठीक है। अब हम चलते हैं कि गूगल पे का सर्च करते हैं, अगर आप इसको पूरा कॉपी करेंगे, ठीक है, और एक कैलकुलेटर है यहाँ पे, इसमें आप जाके पेस्ट कर देंगे, ठीक है। इसको कैलकुलेट कर देंगे तो आपका आंसर क्या आएगा, ठीक है। तो आप भी देख सकते हैं यहाँ पे, तो आपका असाइनमेंट बोलूँ, ठीक है, क्या आ रहा है 5 6 7 8 9, ठीक है। 9 9 2 3, फिर ऑर्डर में कही आ रहा है 9 9 2 3 4 5 7 8, ये भी सही, ये भी सही, देखिए आपका आंसर बिल्कुल परफेक्ट आ गया। अब आप चाहें इसके अंदर थोड़ा बहुत और एडिट कर सकते हैं, जैसे कि मैंने ये एडिट किया था फ्रीक्वेंसी और सीक्वेंस में, तो आप देखें यहाँ पे मैक्सिमम दिया हुआ है, हमने यहाँ निकाल लिया मिनिमम मैक्सिमम भी निकाल दिया। आप चाहते हैं रेंज भी लिख दें, रेंज काउंट क्या होता है, काउंट 10 सेल, 5 5 10 सेल हो गई, ये काउंट हो गया, सम कर लें सबको, ठीक है। इनका मीन निकाल लें, इनका मीडियन निकाल लें, इनका मोड निकाल लें, इनका स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लें, वेरिएंस निकाल लें, ठीक है। तो आप मज़ीद इसके अंदर ये चीज़ें चेंज कर सकते हैं। अब GTA पे जो है, जो आप कॉपी पेस्ट ना करें, ठीक है, तो आपके पास बहुत से ऑप्शन, आप चाहें तो स्ट्रीम और लीफ 2 ऑप्शन लिखते हैं, आप चाहें तो ऑर्डर लिखते हैं, ठीक है, आप चाहें तो फ्रीक्वेंसी लिखते हैं, तो इस तरीके से आप काफ़ी चेंज कर सकते हैं। आप चाहें तो किसी में मिनिमम दे रहे, किसी में मैक्सिमम दे रहे, किसी में कुछ ना दे, किसी में काउंट दे रहे हैं, तो इस तरीके से आप GDB चेंज कर सकते हैं आराम से, इसमें कोई कॉपीराइट का इशू नहीं होगा, ठीक है। तो ये आपके पास ऑप्शन है, आप और इसकी जो फाइल है मैं आप कमेंट कीजिएगा या अपनी GMail ID आप लोग को ईमेल पर सेंड कर दूँगा, ठीक है। इसके अलावा व्हाट्सअप ग्रुप भी दिया गया, आपसे अगर ज्वाइन कर लिया व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन मैसेज करेंगे, आप लोग को ये फाइल मिल जाएगी, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगी, काइंडली वीडियो पसंद आएगी, काइंडली इसको लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।